सर्किट हाउस विखे पंजाब दी कैबिनेट दी मीटिंग हुई। बहुत सारे अहम फैसले इस मीटिंग दौरान विचारे गए। सब तो पहला तो ये चंडीगढ़ तो बाहर पहली साड़ी कैबिनेट है तो फैसला लिया गया अज सर्वसम्मति नाल कि ज़्यादातर कैबिनेट मीटिंगा जिहड़ियां ने वो लोगों के बीच जाके करया करा। कैबिनेट मीटिंग तो बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस, उस तो बाद उस इलाके दे जिथे कैबिनेट मीटिंग हो रही है लोगों नूं भी मिलांगे, वख वख वर्गां दे उन्हां दीआं जिहड़ियां कोई मुश्किलां शिकायतां सुझाव ने वह भी सुणांगे। सारे मंत्री साहिबान अपने अपने डिपार्टमेंट दे जिहड़े सीनियर ऑफिसर ने उन्हां नूं भी नाल लैके जाणगे तां कि मौके ते हल हो सके। सो अज इह असी पहली मीटिंग है जिहड़ी चंडीगढ़ तों बाहर कीती। सरकार तुहाडे द्वार दे नां ते असी ये मुहिम जिहड़ी है सारे पंजाब च जावांगे। कदे असी मोगे करांगे, कदे असी मानसा जावांगे, कदे असी हुशियारपुर जावांगे, कदे किसी वड्डे पिंड च भी जा सकते हैं ते वो पिंड दे लोकां नूं भी इनवॉल्व करांगे लोकल समस्यावां बाद दे विच उन्हां दी, ताकि लगभग जिस दिन कैबिनेट मीटिंग जिथे भी हो रही है उत्थे लगभग सारा दिन सरकार उत्थे रहे ताकि उन उस इलाके दे जिहड़े मसले ने उन्होंने उत्थे हल किया जा सके, लोगों दीआं दफ्तरां दीआं खजल खुआरियां जां चंडीगढ़ आउण दीआं खजल खुआरियां घट सकन। अज दी कैबिनेट दे विच कुछ रस्मी एजेंडे सी ते कुछ खास जिहड़े कैबिनेट दे विच पास होए उन्हां दे विच मैं तुहानूं दस दिना। एक तां कुछ लोकल बॉडी जिहड़ा लोकल ऑडिट टीम है उहदे च 87 पोस्टां जिहड़ियां ने वो क्रिएट कीतियां जा रहियां ने भरनियां ने, हुण वो घाट चल रही है हजे होर भी रहिंदे ने वो भी आने वाले दिनां च हो जाऊगी। स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट दे रूल जिहड़े ग्रुप ए ग्रुप बी ते ग्रुप सी वास्ते उन्हां संबंधी भी सर्वसम्मति नाल फैसला लिया गया। पंजाब खेतीबाड़ी यूनिवर्सिटी PAU दे जिहड़े अध्यापक ने उन्हां दे जिहड़े सोधी हुई तनखाह दे स्केल ने 1 जनवरी 2016 तों लागू होणगे ते अहम फैसला लिया गया। उन्हां नूं भी जो पे कमीशन दे 7वें पे कमीशन दे जिहड़े सोधे हुए जिहड़े तनखाह दे स्केल ने वो उन्हां नूं मिलणगे। अगली कैबिनेट दे विच गढ़वासू दे जिन्ने भी मास्टर केडर दे जिन्ने भी मुलाजम ने उन्हां नूं मंजूरी दे दी जाऊगी। उस तो बाद फिर PTU दी बारी, तीन साडे कोले कैटेगरीज ने ते जिहड़े स्कूलां वाले टीचर ने उन्हां नूं तां पहले ही हो गया सीगा, हुण PAU गढ़वासू ते PTU इन्हां तिन्नां नूं असीं अप्रूव कर लेंगे। एक बाबा बुढ़ा जी की जगह है अजनाला रमदास तहसील दे विच रमदास उत्थे एक नवा प्रबंधकी ब्लॉक उन्हें मंजूरी मिली है। बॉर्डर ते है वो तो उस इलाके दे लोकां नूं काफ़ी दूर जाना पैंदा सी अपने कम्मां करन लई, कुलदीप धालीवाल जी का हलका पैंदा। सो रमदास दे विच एक नवा प्रबंधकी ब्लॉक जिहड़ा वो कैबिनेट दे विच मंजूर होया। बाकी ड्रग लबोरटरी वास्ते कुछ पक्के मुलाजम रखने ने उन्हां नूं मंजूरी दित्ती है ताकि जिहड़ा ड्रग्स दे नाल असीं लड़ रहे हाँ उहदे विच सानूं बहुत किस्म दा स्टाफ चाहिए, लबोरटरी च भी चाहिए, उन्हां दी टैसटिंग हुंदी है किहड़ा ड्रग सी इह किन्ना खतरनाक है जां की है इहदे विच कैमिकल्स किहड़े ने बकायदा तौर ते। एक आने वाले दिनों के 1 मई है
1 मई नूं मजदूर दिवस के तौर पर मनाया जाता है पूरी दुनिया के मे डे कहिंदे ने मजदूर दिवस के तौर पर 1 मई नूं मनाया जाता है तो मजदूरों लई असी साडी सरकार वचनबद्ध है काम करने लई एक फैसला होया जिन्नियां भी फसलां रब ना करे कोई इदां दी सिचुएशन बने बेमौसमी बरसात जां गड़े पैंदे ने फसलां खराब हो जांदियां ने जिन्ना भी मुआवजा किसानां नूं सरकार देऊगी उहदा 10% मुआवजा दिहाड़ीदारां नूं भी मिलेगा खेत मजदूर जिहड़े ने उन्हां नूं 10% उहनां दा भी नाल रखा जाऊगा अलग तों फर्ज कर लो जे मैं हुणी एग्जाम्पल देवां कि 15,000 रुपया एक एकड़ का खराबे का असी पाया तो वो 10% 1500 रुपया उन्हें दिहाड़ीदार परिवारों मिलेगा जिन्होंने उत्थे दिहाड़ी करनी सी क्योंकि जे फसल मर गई तो समझ लो किसान की तो फसल मरी गई नाल दिहाड़ी वाले का काम भी मर गया सो उस काम की भरपाई करने वास्ते मजदूर दिवस से असी ये तोहफा दे रहे हैं आने वाले दिनों होर भी असी मजदूर की बहुत बड़े पद्धर से रजिस्ट्रेशन करवानी है क्योंकि बहुत घट मजदूर रजिस्टर्ड ने जिदे नाल सेंटर सरकार दियां ते पंजाब सरकार दियां बहुत सारिया पॉलिसीज लैप्स हो जांदियां ने वो पैसा भी वापस चला जांदा जां खड़ा रहिंदा स्टक हो जांदा क्योंकि रजिस्टर्ड नहीं हैगे असी अपने अफसरां नूं कहा लेबर चौंकां च जाण उत्थे जाके लेबर चौंक दे विच मजदूरां नूं मिलण ते उहनां नूं रजिस्टर्ड करन अपने कंप्यूटर नाल लै जाण बायोमीट्रिक जिहड़ा अंगूठा लवाउण वास्ते जां आई रटीना का टैसट लैन वास्ते वो लै जाण नाल कंस्ट्रक्शन दियां साइटां ते जाण जिथे जिथे कंस्ट्रक्शन हो रही है पिंडां शहरां च जिहड़े मजदूर ने असली उन्हां नूं अद्धे घंटे की ब्रेक लैके उत्थे तुसीं रजिस्टर कर सकते हो ते पिंडां दियां सत्थां दे विच जाण सारे पिंड नूं पता हुंदा कौन कौन दिहाड़ी करदे ने किन्ना किन्ना दा परिवार दिहाड़ी तों जिहड़ा वो चलदा है सो असीं कोशिश है वध तों वध मजदूरां नूं रजिस्टर करा के स्कीम च लैके आईए तो भारत सरकार ते पंजाब सरकार की जिहड़ी स्कीम है उहदा वध तों वध फायदा मिल सके उन्हां नूं जिहदे विच उहनां दे बच्चों की फीस भी फ्री है उन्हां दा आपदा इलाज भी फ्री है बहुत सारिया स्कीमां ने सो एक खेत मजदूर तो लैके एक बड़े व्यापारी तक पंजाब सरकार जिहड़ी है वो हर वर्ग का ख्याल रख रही है तो असी आने वाले दिनों दे विच होर भी बहुत सारिया पॉलिसीज जो पंजाब पक्षी ने लोक पक्षी ने वो लैके आवांगे कोई भी फाइल असी पेंडिंग नहीं छड़दे मेरे जिहड़े कैबिनेट है मंत्रियों नूं भी यही सलाह दित्ती हुई है असी कि कोई फाइल पेंडिंग ना पवे किसी पेंडिंग फाइल करके किसी का काम ना रुके इस तो पहला दो तीन तीन साल दियां फाइलां पेंडिंग पईआं सी सो असी भावें जिथे मर्जी होईए असी कैबिनेट करनी है और कैबिनेट दे विच फैसले जिहड़े होणगे इंप्लीमेंट करने हैं ये साडी प्रायोरिटी है क्योंकि इस तो पहला वालिआं ने जिस तरीके नाल सरकारां चलाईआं उसे उन्हां तरीक्यां करके लोग जिहड़े दुखी होए ने ते हुण असी जिहड़ी विकास दी कम्मां दी जिहड़ी गड्डी आ उहनूं लीह ते लैके आ रहे हैं पटड़ी ते लैके आ रहे हैं ताकि पंजाब मुड़ तों रंगला पंजाब बने पंजाब मुड़ तों विकास दीआं लीहां ते नंबर वन सूबा बने जे कोई तुहाडा सवाल होवे तां दस्सो मैं वीडियो तो नहीं देखी पर जिहदा तुसीं नां लिया वो काम ही यह जानते हैं उन्हां कोल पैसे बहुत ने जी वो ताइयों वंडदे आ वो लोगों नूं विकाऊ समझदे असल च असीं इलैक्शन कमीशन कोल इहदी शिकायत करांगे एक मिनट ये पैसे वंड के लोगों नूं खरीदना चाहुंदे आ इस तों पहलां फिर कांग्रेस ने ते अकाली दल ने बहुत पैसे वंडे सी 2022 च ते की कर लिया लोग इदां लोगों नूं विकाऊ ना समझो कि मेरे कोल पैसे ने तो मैं लोगों को खरीद लूँगा सो लोग बहुत सियाने ने और मैं कल ही हजे रात ही कह के हटिया कि मैनू मिले सी कांग्रेसी कहें सी पैसे वंडांगे असी या देख लो वीडियो आ गई ना सो लोग इन्हां नूं मूँह नहीं लाउणगे जिहड़े लोगों नूं पैसे वंडदे आ जां लोगों का वोटर कार्ड खरीददे आ इहदा मतलब वो शहीदां योध्या जिन्हां ने सानू वोटर कार्ड लैके दिता कुरबानियां दे के
ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਦਬਿਆਂ ਕੁਚਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦਬੇ ਕੁਚਲੇ ਰੱਖ ਲਓ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟ ਪਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਪਰ ਲੋਕ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਉਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪੇ ਕਰੂਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੇਰੇ 32 ਦੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇਹੀ ਕਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਉਤਰੂਗੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ PDS ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੁੱਟਬਾਲ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨਾਜ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਨਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਦੀ ਉਹ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਲਓ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ ਮੰਡੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਯੂਪੀ 'ਚ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ, 4.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਤੇ ਮੰਡੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਮੈਚ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ? ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪੈਸੇ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੈਲਿਊ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਮਾਪਦੰਡ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਰਜਮੁਖੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਮੱਕੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਬਾਜਰਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਪਾਹ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨਰਮਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਾਸਮਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਰਾਈ ਦੂਜੇ ਝੋਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਾਈਸ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਨਖਰੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਦੁਰਾਹੇ ਵਾਲੀ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਹਟਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵੀ ਹਟਾਵਾਂਗੇ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੋਲ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅਸੀਂ 18 ਫੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਤੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪਵੇ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਲ, ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਮਹਿਲਾਂ ਵਰਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਹੀ ਠਾਠ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਜਦਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਮ ਬੰਦਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਘਰੋਂ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਉਹਦੀ ਇਨਕਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਸੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਜ਼ਬਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਅਤੇ ਲੀਗਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ।